Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be starting with the practice set 3.2 of lesson 3 polynomials of standard 9's algebra. Now this practice set 3.2 is actually based on operations on polynomials, okay, which are actually addition, subtraction, multiplication and division. अब ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा प्रैक्टिस सेट 3.2 का, जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स देखेंगे. ओके, उससे पहले एक क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में, वो देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन 1, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर्स. अब देखो उसमें पहला सब क्वेश्चन है, देयर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज. एट प्रेजेंट की अगर बात करो, आज के डेट में 2020 की बात अगर करते हैं, तो एक विलेज है जिसमें ए नंबर ऑफ ट्रीज है. नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, हर साल बी नंबर ऑफ ट्रीज उसमें बढ़ते हैं, बराबर है. देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स. अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज एट प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ ट्रीज है एट प्रेजेंट, ए. आज के डेट में ए ट्रीज है. देन एवरी ईयर द ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी, हर साल बी नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ते हैं, तो एक्स साल में नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे. ओके, अब नंबर ऑफ क्या इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं लेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन एक्स ईयर्स, इन एक्स ईयर्स लिख रहा हूं मैं, इन एक्स ईयर्स. अब देखो हर साल बी नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ते हैं, तो एक्स साल में कितने बढ़ेंगे, एक्स इंटू बी, बराबर. क्योंकि एक साल में अगर बी नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे, दो साल में टू इंटू बी, तीन साल में थ्री इंटू बी, चार साल में चार इंटू बी, तो एक्स ईयर्स में एक्स इंटू बी. अब ये तो एक्स इंटू बी क्या हुआ, जो एक्स ईयर्स में बढ़ गए, पर ऑलरेडी कितने थे, ए नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स कितने होंगे, ए प्लस XB. क्योंकि XB क्या है, X years में कितना नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ गए, लेकिन उससे पहले भी तो ट्रीज प्रेजेंट है ना. सो X years के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देखोगे तो वो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है A, प्लस ये जो X years में बढ़े. ओके, सेकेंड सम देखो, फॉर द परेड देयर आर Y स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड X सच रोज आर फॉर्म. अब देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज इज इक्वल टू y. फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं x, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा एक्स इनटू वाई. ओके, थर्ड सम देखो, द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज एम एंड एन रिस्पेक्टिवली. मतलब ध्यान लो अच्छे से, डिजिट एंड टेंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज एम, ये है डिजिट एट टेंस प्लेस. ओके, देन डिजिट एट सॉरी यूनिट्स प्लेस
इज, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? एन. ओके, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज देखो हम टू डिजिट नंबर कैसे तैयार करते हैं, जो डिजिट एट टेंस प्लेस है उसको टेन से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो डिजिट एट यूनिट प्लेस है उसको वन से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट विल बी 10m प्लस n. ओके, जैसे यदि आपको बोला है कि 5 इज द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड 7 इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस, और टू डिजिट नंबर तैयार करना है, तो आप क्या करते हो, इस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करते हैं. सो दैट विल बी 57. सो सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ है. टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो m है एंड यूनिट प्लेस पे n है. तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज 10m प्लस n. ओके, क्वेश्चन 2 देखो. एड द गिवन पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं, इन्हें ऐड करना है. तो सबसे पहले ब्रैकेट में लिख दो x cube minus 2x square minus 9 plus 5x cube plus 2x plus 9. अब ब्रैकेट खोलो. सो दिस इज x cube minus 2x square minus 9 plus 5x cube plus 2x plus 9. अब लाइक टर्म्स एक साथ लो. लाइक टर्म्स मतलब क्या, जैसे x cube है तो x cube वाले कितने टर्म्स है यहाँ पे. सो दिस इज x cube और ये plus 5x cube, इनको साथ में ले लो. फिर x square वाला एक ही टर्म है, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर. फिर एक्स वाला एक ही टर्म है, ये प्लस टू एक्स, और माइनस नाइन प्लस नाइन तो कैंसिल होगा. एक्स क्यूब इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 5 6. सो दिस इज 6 एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. इतना लिखा तो भी चलेगा. इसके आगे आप ये भी कर सकते हो कि जैसे तीन टर्म्स है यहाँ पे, 6 2 और 2, इनके कोएफिशिएंट्स है तीनों टर्म्स के. तो 6 2 और 2 का एचसीएफ होता है 2, तो 2 कॉमन निकाल लो सब में से. बाद में x क्यूब x स्क्वायर और x का एचसीएफ x होगा, तो x कॉमन निकाल लिया. अब पहले टर्म में से 2 निकल चुका है, 2 निकल चुका है, मल्टीप्लीकेशन वाला 2 निकला है, 6 यानी 2 इंटू 3. ओके, वो 6 में से 2 निकल चुका है तो 6 माइनस 2 4 बचेगा, ऐसा नहीं है. 6 यानी 2 इंटू 3, 2 निकल चुका है तो 3 बचेगा, और x क्यूब में से 1 x निकल गया तो x स्क्वायर बचेगा. फिर वैसे ये माइनस 2 तो निकल चुका है, 1 x निकल गया तो 1 x बचेगा, और ये 2x पूरा ही निकल गया है तो ये प्लस की साइन, और ये पूरा ही निकल गया है तो 1 बचेगा. ऐसा आप कर सकते हो, यहां तक भी रखा तो भी चलेगा. ओके, सेकेंड सम देखो. ये है माइनस 7m रेज टू 4 प्लस 5m क्यूब प्लस रूट 2 प्लस, दूसरा ब्रैकेट दो, 5m रेज टू 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6. ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो. सो दिस इज माइनस 7 इंटू m रेज टू 4 प्लस 5m क्यूब प्लस रूट 2, देन दिस इज प्लस 5 इंटू m रेज टू 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6. अब लाइक टर्म्स एक साथ लो, मतलब m रेज टू 4 वाले. सो दिस इज माइनस 7 m रेज टू 4 प्लस 5 इंटू एम रेज टू 4 एक साथ ले लिया. फिर दिस इज प्लस 5 एम क्यूब और माइनस 3 एम क्यूब एक साथ लिया, देन प्लस 2 एम स्क्वायर वाला टर्म. ओके, एक ही टर्म एम स्क्वायर वाला, एम वाला भी एक ही टर्म है, प्लस 3 एम, और कॉन्स्टेंट 2 है, रूट 2 और एक माइनस 6. तो इसे प्लस रूट 2 माइनस 6 ऐसा लिख दो. अब देखो माइनस 7 एम रेज टू 4 प्लस 5 एम रेज टू 4 है, तो माइनस 7 प्लस 5 इज माइनस 2 एम रेज टू 4 हो जाएगा. ये 5 एम क्यूब माइनस 3 एम क्यूब, 5 माइनस 3 2, सो दिस इज प्लस 2 एम क्यूब प्लस 2 एम स्क्वायर प्लस 3 एम, और ये रूट 2 माइनस 6 को जैसा कि वैसा ही रखो. दिस इज द आंसर. ओके, थर्ड सम देखो. यहां पर तीन पॉलिनोमियल्स दिए हैं. ओके, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 प्लस दिस इज 3y प्लस 9 एंड प्लस द थर्ड पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3. अब देखो ब्रैकेट खोलो. दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, देन दिस इज प्लस 3y प्लस 9
प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। लाइक टर्म्स एक साथ लो, y स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लो पहले, ये 2y स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर साथ में आएगा। ओके, देन y वाले टर्म्स एक साथ लो, 7y 3y एंड माइनस 4y, सो दिस इज प्लस 7y प्लस 3y माइनस 4y। ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कांस्टेंट टर्म, 5 प्लस 9 माइनस 3, प्लस 5 प्लस 9 माइनस 3। अब देखो 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2 प्लस 3 होगा 5, सो दिस इज 5y स्क्वायर। 7y प्लस 3y, 10y माइनस 4y इज प्लस 6y। 5 प्लस 9 इज 14 माइनस 3 इज प्लस 11, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 देखो, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। तो पहला पॉलिनोमियल जो है वो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखो सबसे पहले, माइनस ये सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट में से माइनस करना है, ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। ओके, अब ब्रैकेट ओपनिंग होगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 19x माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 3 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 7x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, फिर x वाले टर्म एक साथ लो, ये माइनस 9x प्लस 19x प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, 1 माइनस 7 इज माइनस 6, तो दिस इज माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 19 यानी प्लस 10 और ये आएगा x, सो आंसर है आपका माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। ओके, सेकेंड सम देखो, 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 4ab माइनस दिस सेकेंड पॉलिनोमियल 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। अब देखो ब्रैकेट खोलना है, दिस इज 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 4ab माइनस 3ab माइनस इंटू माइनस प्लस 8ab स्क्वायर एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी। अब देखो लाइक टर्म्स एक साथ लाना है, लेना है ab स्क्वायर वाले, देखो ये है ab स्क्वायर और ये 8ab स्क्वायर, सो ये 2ab स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर साथ में ले लेंगे हम लोग, ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन a स्क्वायर बी, सो देखो a स्क्वायर बी वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, दिस इज 3a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी और फिर ये ab वाले टर्म्स बचकर माइनस 4ab माइनस 3ab, 2 प्लस 8 इज 10ab स्क्वायर, 3 माइनस 2 इज 1, सो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ a स्क्वायर बी लिखो, और माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7ab, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।